हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। सुबह के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए गए थे, जिनको लेकर के बहुत से छात्रों की शिकायत है कि आप क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, मत छोड़िए, सब बताइए। तो मैं आज इसको हल करूंगा, उसके बाद अगली क्लास में आपका जो एक्सरसाइज 4.2 चल रहा था वो चलेगा, लेकिन आज आप इसको रिपीट करेंगे, मतलब एक प्रकार से जो छूटा था वो हल करेंगे। कह रहा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कुल मिलाकर ये कहना है कि दिए गए नंबर के आपको फैक्टर निकालने हैं, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। तो बड़े ही प्यार से इनके हम फैक्टर निकालेंगे और इनको ला के दिखाएंगे। देखो, इसके लिए हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे अच्छी वाली सुंदर सी, उसके बाद इसके ऊपर नंबर ला के लिखेंगे और हम देखेंगे कि वो संख्या किस प्रकार की है। फैक्टर में ये बहुत ज़रूरी होता है, ये सम संख्या है कि विषम है, भाज्य है कि अभाज्य है। आप देखेंगे प्रथम दृष्टया ये विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है और ये भाज्य संख्या है, यानी कि इवन नंबर एंड ये कंपोजिट नंबर है। तो बच्चा लोग, इस तरह की संख्याएं दो से कम्प्लीटली डिवाइड होती हैं। अगर आप इसे दो से कम्प्लीटली डिवाइड करोगे तो 2 × 7 = 14 जीरो, मतलब 140 को काट के 70 आएगा ना। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप जीरो लेवल मैथ देखिए, वहाँ पे ये बताया जाएगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब बताया जाएगा जीरो लेवल की मैथ में। फिर इसे 2 से काटोगे तो 35 आएगा, मतलब फिर आप देखो इसे 3 से काटो तो नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि भैया ये समझ लो, ये एक भाज्य संख्या तो है लेकिन एक विषम संख्या है, और विषम संख्या कभी भी सम संख्या से नहीं कटती है, इसलिए 2 से तो नहीं कटेगी, पक्का नहीं कटेगी। और ज़रूरी नहीं कि अगर ये विषम संख्या है तो सभी विषम संख्याओं से कटेगी, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगी, और फिर 4 से तो कतई नहीं कटेगी, 5 से कटेगी, तो 5 × 7 = 35, और ये 7 जो है 7 से ही कटेगा, और 1 को ऐसे कर लोगे। इस तरह के इसके फैक्टर हो गए। आप नीचे लिखोगे, सबसे नीचे लिखना 140 के गुणनखंड बराबर, लिख लो 2 × 2 × 5 × 7 × 1, ये क्या हो गया, 140 के गुणनखंड हो गए। 2 × 2 = 4 × 5 = 20 = 7 = 140। बात समझ में आ गई, फटाफट लिख लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन ऑन करें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको ज़रूर करें, अगर इसको नहीं करेंगे तो आपको क्लास नहीं मिल पाएगी यूट्यूब पे। कभी कभी क्लास मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, आप परेशान रहोगे। इस वजह से अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे बच्चा, तो आप घर बैठे पढ़ पाओगे और कहीं कोचिंग में नहीं जाना है। बस वीडियो को खूब शेयर करना है, आपको पूरा फ्री क्लास मिलेगा यूट्यूब पर। लेकिन अगर शेयर नहीं करोगे तो फिर वही होगा कि कुछ दिन बाद में नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा, फिर आप परेशान रहोगे। इसलिए आप शेयर खूब करो, जितना हो सके शेयर करो। बस आपका जो कर्म है आप उसे करो, जो हमारा है हम उसको करेंगे। हाँ, चलो 156 के करने हैं गुणनखंड, इसको भी ऐसे ही करेंगे 156। 2 से काटोगे 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 3 से काटेंगे 13 आएगा, फिर ये 13 हो जाएगा, यानी इसके जो गुणनखंड आ गए वो कितना आ गए, 2 × 2 × 13 × 3 × 13, ठीक है। ये हो गए 156 के गुणनखंड, आप इस तरह से लिख लेना। ये आपके दो पार्ट हो गए साथियों, पहला क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए। इसमें और भी दिए गए हैं, 3, 4, 5 पार्ट दिए गए हैं, सभी पार्ट के गुणनखंड आप उम्मीद करते हैं कि खुद से कर लेंगे। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें हिंट देना है, बाकी सारी कहानी आपको खुद लिखना है। तो जल्दी इसको लिख लीजिए, अगले में पार्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, इनका गुणनखंड आप घर पे करना, और करने के बाद इसी वीडियो में आकर के कमेंट करना, ठीक है, बाकी कहीं नहीं भेजना, सिर्फ वीडियो में कमेंट करना, देख के आपको बताया जाएगा सही है, गलत है, क्या है, कैसे है। तो इनके आप तीनों के घर पे गुणनखंड कर लेना, जैसे सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, भाज्य अभाज्य हैं, उसी तरह से ये कटेंगी। अगर आपको सम विषम भाज्य अभाज्य नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, आप जीरो लेवल से देखिए, वहाँ पे ये सिखा दिया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना, एंड तक देखना। देखो, दूसरे सवाल में कह रहा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM ज्ञात कीजिए, तथा इनकी जांच कीजिए, चेक कीजिए कि दो संख्याओं का जो LCM और HCF का गुणनफल है वो क्या है, उन दो संख्याओं के बराबर है, यानी कि उन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। तो हमने जल्दी के लिए पहले इसको कर लिया जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये LCM HCF मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, जीरो लेवल में भी पढ़ा चुका हूँ। तो साथियों, भाग विधि से हमने इसका LCM लिया, तो LCM इसका 182 आ रहा है, और इसका हमने क्या किया बच्चा लोग, भाग विधि से HCF लिया,
तो HCF इसका 13 आ रहा है। LCM वो संख्या होती है जो दी गई दोनों संख्याओं से भाग देने पर कट जाए, वो छोटी से छोटी संख्या वो LCM होती है। तो 182 के पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 26 से भी कट जाए और 91 से भी कट जाए। इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है HCF जिससे भाग करने पर ये दोनों संख्याएं पूरी तरह कट जाएं। तो सबसे बड़ी संख्या 13 है वो, जिससे भाग करने पर 26 भी कट जाएगा और 91 भी कट जाएगा। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है कि जिससे 26 भी कट जाए और 91 भी कट जाए। नहीं तो कहो 18 से काट दो, 18 से दोनों कट जाएगा, कोई नहीं कटेगा। 13 से कहो कि कट जाएगा बच्चा, तो 13 से कट जाएगा, दोनों ठीक है। 20 से कहो काट दो, 26 से काट दो, 50 से काट दो, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 26 से बड़ा हो जाएगा तो 26 तो पक्का नहीं कटेगा किसी से। इस तरह से ये हो गया ना। इतना आप कर लोगे LCM HCF, इसको लिख लो। उसके बाद क्या करोगे, नीचे लिखोगे उत्तर की जांच। नीचे क्या लिखोगे? उत्तर की जांच। तो बच्चा लोग उत्तर की जांच लिखोगे तो क्या करोगे, ध्यान देना, LCM 182 आया है। नहीं लिखे हो तो वीडियो पीछे करके लिख लेना इसको, क्योंकि आपके काम का है, ठीक है। वीडियो पीछे करोगे तो ये सब कुछ फिर से आ जाएगा जो मैं मिटाया हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पीछे कर लो वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे उत्तर की जांच। क्या लिखोगे? उत्तर की जांच। तो बच्चा लिख लेना अपने हिसाब से यार, उत्तर की जांच क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, ये आना चाहिए, तब उत्तर की जांच सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है। हम जानते हैं कि बच्चा लोग दो संख्याएं थी, एक 26 थी एक 91 थी, तो दो संख्याओं का गुणनफल हम कर लेंगे, वो 26 का गुणा करेंगे 91 में, LCM का गुणा करेंगे HCF में। तो हम जानते हैं LCM आया था 182, HCF आया है 13, गुणा कर लो। अगर दोनों बराबर आया तो उत्तर सही है, अगर ये बराबर नहीं आया तो उत्तर गलत है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना आएगा फटाफट, मैं नहीं बताने वाला हूँ चूँकि आप लोग काफ़ी समझदार हो गए हो। जल्दी करो, बहुत जल्दी, एक मिनट के अंदर बता दो बच्चा। सभी लोग देखते हैं कौन सबसे पहले बता पाता है। मिश्र, मुकेश, सुरेश, आकांक्षा, सुधांशु, अमृता, पंकज, कोई नहीं बताएगा? ओके, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो और आप बहुत ही अच्छे हो, अगर कोशिश करोगे तो सब कुछ संभव है बच्चा लोग। आप बस पढ़ाई करते रहो बस, ठीक है, करते रहो, ठीक है। ये कितना आएगा गुणा करोगे, मैं लिख ही दे रहा हूँ, 23-66 आएगा। इसका भी गुणा करोगे ये भी उतना ही आएगा, यानी कि आपका LHS इक्वल RHS आ गया। आप लिख दो अतः उत्तर की जांच, या फिर कुछ मत लिखना, हो गया बस, ठीक है। कह रहा था उत्तर की जांच कीजिए कि ये इसके बराबर है। हाँ नीचे लिख देना, जांच में ये सिद्ध हुआ, जांच में ये सिद्ध हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF है, बस हो गया, लिख लो इतना। पहला हो गया, क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। पहले LCM HCF निकाल लो, नीचे ये सूत्र लिख देना जो मैंने लिखा है, नीचे लिख देना उत्तर की जांच। उत्तर की जांच लिखने के बाद लिखना दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, और उसके बाद दोनों संख्या का गुणा कर लेना, LCM HCF का गुणा कर लेना, दोनों बराबर आ जाना चाहिए। चलिए अगले पे चलते हैं। ये दो होमवर्क हैं, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे सेम टू सेम कर लेना, और करने के बाद इनके उत्तर जो है इस वीडियो में आकर के कमेंट कर लेना। 510 है, ये 92 है, और ये 336 है, 54 है। दोनों का LCM HCF निकालना और उसके बाद संख्याओं का गुणा करके उनका गुणा कर लेना, दोनों बराबर आएगा तो बता देना, नहीं आएगा तो बता देना, लेकिन जैसे मैंने किया वैसे ही करना। साथियों ऊपर रेड कलर में देखो कुछ लिखा है PBR स्टडी 3.0, क्योंकि इसी चैनल पर पूरा आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा क्लास 10th का, तो इसे आज ही जाकर के सब्सक्राइब कर लें। देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर लास्ट में मिल जाएगी, या फिर आप PBR स्टडी 3.0 लिख करके सर्च करोगे YouTube पे मिल जाएगा। इसमें स्पेशल रूप से 9th-10th के लिए बनाया गया ये, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे क्लासें कुछ दिन बाद बंद हो जाएंगी तो फिर आप नहीं देख पाओगे, ये क्लास इस पर ट्रांसफ़र की जा रही चैनल पर, जब की जाएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी ही ट्रांसफ़र हो रही। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलो और ध्यान से देखना। कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड, यानी हमें क्या करना साथियों, फैक्टर लेना है इन सभी संख्याओं के, क्या करने हैं, फैक्टर निकालने हैं। जैसे 12 के फैक्टर हम निकालेंगे तो 2 × 12 और ये 2 × 3 = 6 और ये 3 × 1 = 3। इस तरह से आप अगली संख्या का फैक्टर निकालोगे बच्चा लोग, जितनी भी संख्या हैं सभी का अलग अलग फैक्टर निकालोगे। तो मैं इधर साइड में निकाल देता हूँ 15 के फैक्टर, आप कर लो 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5, है ना। इस तरह से आप 21 के फैक्टर करोगे, 21 के
तो बच्चा लोग जान लो, 3 × 7 = 21 और 7 + 1 = 7। फाइनल में क्या करोगे आप? फाइनल में सभी संख्याओं को नीचे ऊपर लिखोगे, ये 12, 15, 21, इनके जो भी फैक्टर आपको प्राप्त हुए हैं उनको इनके सामने लिखोगे। जैसे 12 में देखो कितने फैक्टर हैं, 2 × 2 × 3 × 1। इसी तरह से 15 में देखो 3 × 5 × 1। 21 में देखो 3 × 7 × 1। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पूछा है, कहा है कि LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें से चाहे जो भी पहले कर सकते हैं, चाहे LCM कर लें चाहे HCF कर लें। तो चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम HCF निकाल देते हैं बच्चों, ठीक है, आसान रहेगा। HCF मतलब वो संख्या होती है यारों कि जो इन तीनों में कॉमन हो। आप देखो गौर से तो ये संख्याएं बड़ी अजीब सी हैं और इनमें एक ही संख्या कॉमन है, वो क्या है कि 3 सभी में है। ये नहीं जरूरी कि सीधा सीधा पे रहे, कहीं भी रहे। तो इसका HCF जो है 3 होगा। इसके अलावा 1 सब में है जो कि हमेशा रहता है सब में, तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी फाइनल में आंसर 3 ही रहेगा। ये हो गया आपका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात करते हैं LCM की। तो बच्चा लोग जो LCM होता है ना, वो इसी तरह होता है लेकिन थोड़ा सा यह दयालु प्रकृति का होता है। ये क्या कहता है कि पहले जो दोनों में मिल रहा है उसको तो लिख लो चुप चुप, है ना, चुप चुप नहीं मतलब चुपचाप, यानी 3 × 1। उसके बाद जैसे HCF क्या कहता था कि जो दोनों में मिल रहा है उत्तर है, बाकी जो नहीं मिल रहे हैं दोनों में कॉमन नहीं है सब में, दोनों में नहीं मतलब सब में जितने भी नंबर हैं उनको छोड़ दो, जाने दो, बाय मतलब बाय काट कर दो। लेकिन ये थोड़ा दयालु है, ये कहता नहीं ऐसा मत करो, जो सब में नहीं है पहले उनको एक बार छोड़ दो लेकिन लास्ट में एक वार्निंग दे के फिर उतार लो। तो इनको सबको फिर से लिख लेंगे 7 और फिर ये 5 और फिर क्या करेंगे ये 2, ठीक है, ओके। तो जो भी रहेगा इनको वैसे फिर से लिख लेंगे 2 और फिर इनटू क्या ये 2। बस इनका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, यही हमें करने को बोला था। तो बच्चा लोग गुणा कर लो, 3 × 7 = 21, 21 का गुणा कर लो 5 में, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 105, 105 का गुणा 4 में कर लो, तो 105 का 4 से गुणा कर दो, 4 × 5 आएगा 20 और बच्चा ये कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, आप देखो तो 420 आ रहा है। बताना आ रहा 420 कि नहीं आ रहा, कमेंट करना, नहीं आ रहा तो मैं देखता हूँ सुधार करता हूँ, वैसे इतना ही आ रहा होगा, देख लो एक बार। चलो हो गया, इनको जल्दी से लिख लो, नोट कर लो, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट निकाल लें, बहुत जल्दी करें। कहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए, जो कि मैंने दोनों कर दिया है। ये अभाज्य गुणनखंड किए हैं अलग अलग संख्याओं के, इनके HCF पहले निकालें फिर LCM निकालें हैं। ये हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। अब हम इसमें का जो और भी कुछ पार्ट बचे हुए हैं उनको आपको दिखाएंगे, उनको आप इस तरह से खुद से करोगे, क्योंकि बच्चा खुद से भी कुछ ट्राई करो, ठीक है, हमारे ही करने सब कुछ नहीं होगा। ये 2 सवाल आप घर से करोगे, जैसे मैंने बताया सेम टू सेम यही नियम लगाओगे और खुद से करोगे। करने के बाद आकर के उत्तर इसी वीडियो में कमेंट करना और इस लाइन को आँख खोल के, कान खोल के, दिमाग खोल के पढ़ लीजिए एक बार, यहाँ पे क्या लिखा है आपने हो सकता पढ़ लिया हो। मंजन ब्रश करते समय कभी भी नल खुला ना छोड़ें। आपको पता है पानी कितना कीमती है और धरती पर जो पानी उपलब्ध है उसमें से मात्र इतना चुटकी भर पानी पीने योग्य है, बाकी सब पानी खारा है। कुछ दिन बाद पीने की पानी नहीं मिलेंगे, जो आज बोतल में मिल रहे हैं ना वो फिर बोतल में भी नहीं मिलेंगे, जान लो। दारू से महंगा हो जाएगा पानी, दारू के ठेके पे लाइन देखे वैसे पानी वाला भी हो जाएगा। वैसे भारत के कई इलाकों में ऐसा हुआ भी है, आपको पता भी होगा, चंडीगढ़ वगैरह में बहुत से ऐसे शहरों में जो है काफ़ी पानी की किल्लत मची हुई है। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रश रगड़ते रहते हैं, मुँह में भरे रहते हैं लेकिन नल खुला रहता है, हाथ लगाए रहते हैं बहता रहता है। ऐसा कतई ना करें। अगर घर में ज़्यादा पंखे चल रहे हैं, कूलर एसी चल रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे जहाँ तक हो सके बंद रखें। नहीं तो आप समझ सकते हो बिजली की कीमत क्या होती है यार, एक दिन नहीं आती है तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है, सब कुछ रुक जाता है। एक दिन पानी नहीं आता ज़िंदगी बहुत ही मुसीबत भरी लगने लगती है, लेकिन अगर जब आता है तो हम उसकी कीमत नहीं करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप भारत के भविष्य हैं, आने वाले भारत के। इसके बाद स्टूडेंट आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना। आपके 15 मिनट में अगर 5 क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत बड़ी बात है क्लास 10th के, चूँकि ये छोटे क्वेश्चन नहीं होते, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। बहुत ईमानदारी से देखना, क्लास पूरा देखोगे सब कुछ समझ में आएगा, गारंटी हमारी है। देखो कह रहा है कि HCF कोष्टक में लिखा होगा 306, 657 = 657 = 9 दिया है। फाइंड द LCM ऑफ
306 and 657 ऐसे दिया है ना, ज्ञात कीजिए। NCERT बुक है, इक्सर साइज है आपका 1.2। अगर आप पेज नंबर देखोगे NCERT में तो पेज नंबर 13 है, 13 नंबर है। देखो इसका एक सूत्र होता है, याद रखना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM into HCF, यानी उन संख्याओं का गुणा करने पर और उन संख्याओं का HCF LCM का गुणा करने पर बराबर आता है, ठीक है। देखो आगे, हमें इनका गुणनफल कर लेना है, दोनों का गुणा कर लिया, इक्वल LCM निकालना था, लिख दिया, HCF 9 दिया था, ये पहले से मैंने उसका मान रख दिया। तो बच्चा लोग आप क्या करोगे, ये 306 इंटू क्या हो जाएगा, ये 657 और ये 9 इधर से गुणा से इधर भाग के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, बस सारी कहानी ख़त्म हो गई। 9 से इसको काट दो, 9 * 27, 9 * 4 = 36, आ गई ना समझ में बात। अब 34 का गुणा कर लो बच्चा, 34 का गुणा कर लो 657 में, जो भी आएगा वो आपका LCM हो जाएगा। ये हो गया आंसर, बस बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है, गुणा करना आप जानते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, गुणा कर लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका चौथा सवाल। तो इस तरह से अब देखते हैं पांचवा सवाल क्या कहता है, उसको भी देख लेते हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, मैंने छोड़ दिया था कि आप कर लेना, लेकिन आप लोग काफ़ी डंडा कर दिए थे एकदम से कि नहीं हम नहीं करेंगे, बताई दो, तो मैं बता दे रहा हूँ। चलो ठीक है, जैसे भी खुश रहो वैसे अच्छा है, लेकिन आप हमारी भी खुशी का ख्याल रखो। उसके लिए आपको वीडियो डाउनलोड नहीं करना, याद रखना। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को यूट्यूब पे ऑनलाइन देखो, अगर आप वीडियो को डाउनलोड कर लेते हो तो फिर हमारी क्लासें आपको नहीं मिलेंगी, याद रखना। निवेदन है आपसे, वीडियो को डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन देखें, वीडियो को प्लेलिस्ट में सेव कर लें, अगर कोई समस्या है तो नंबर पे संपर्क करें, लेकिन वीडियो कतई डाउनलोड ना करें। क्लास बहुत बड़ी हो जाती है तो आप लोग ज़्यादा देखते नहीं हो, इसलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम अगली क्लास कल आपको देंगे इसी टाइम पर। और एक बात याद रखना, PBR Study 3.0 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये क्लास जल्दी ही उस चैनल पे भी चलने वाली है, नई बैच शुरू हो रही है, तो आप सभी सब्सक्राइब करके रखिए। देखो 28 तारीख से आपकी कक्षा 9 की मैथ PBR Study चैनल नंबर 3 पर शुरू हो गई है, और हमारी कोशिश है कि ये 9th के बाद 10th वाली क्लास भी उसी पर शुरू हो जाएगी, तो आप लोग उसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। PBR Study 3.0 चैनल सब्सक्राइब करके रखना। जय हिंद, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। याद रखना, शाम को 7 बजे से कक्षा 9 की मैथ होती है और रात 10 बजे से DLED वाली क्लास चल रही है। सुबह 5 बजे से शून्य से शिखर तक की मैथ होती है। 4 क्लासें YouTube पे चल रही बिल्कुल फ्री। अगर आप कंप्लीट कोर्स किसी भी क्लास का चाहते हैं, किसी भी प्रकार की, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करें, जल्दी से जल्दी क्लास पाएंगे, प्रीमियम क्लास ज्वाइन करें। क्लास 10th की मैथमेटिक्स आप चाहें तो दिन भर में 5 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, ये जो 15 मिनट मिल रही ना, इसको आप चाहो तो 15 घंटे भी पढ़ सकते हो। बहुत सारी क्लासें चलती दिन भर, कई सारे बैच चलते हैं, उसके लिए आप सिर्फ एक प्रीमियम क्लास ज्वाइन कर लो, बस ऊपर नंबर दिया गया संपर्क करना। जय हिंद।